हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे है हम सी फेयरर्स अपना प्रोफाइल पिक्चर एंड सिग्नेचर डीजी वेबसाइट पे ई गवर्नेंस में जाके अपलोड कर सकते हैं। ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप किसी कोर्स के लिए इनरोल हो रहे हो किसी एमटीआई में, तो आप एमटीआई के थ्रू कर सकते हैं, और आप पर्सनली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने किसी भी कोर्स के लिए इनरोल नहीं किया है, अदरवाइज़ वो ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको एमटीआई के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपको एमटीटी को मेल भेजना होता है, और नॉर्मली एमटीटी यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग टेस्ट आपको 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हैं। मैंने जो मेल भेजा था मुझे सेम डे रिप्लाई आया था। वो जो सर्कुलर वो जो डीजीएस ऑर्डर है उसका लिंक और मेल का फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये सीफेरस प्रोफाइल का विंडो है, इसमें आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स पे, देन यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर इमेज के लिए जो गाइडलाइंस है इसमें आपको मिल जाएगी जो आपको अपलोड करना है। तो मैं आपको मेल दिखाता हूँ जो हमें डीजी को भेजना होता है, एमटीटी को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरीटाइम ट्रेनिंग टेस्ट, ये उनका मुझे रिस्पांस आया था इसी में जो मैंने मेल भेजा था है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने 17 को मॉर्निंग को मेल भेजा था और सेम डे मुझे इवनिंग को उनका रिस्पांस आया था। तो उन्होंने जो लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, डियर सर मैडम, परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड सीफेयरर कैन नाउ चेंज इज फोटो एंड सिग्नेचर। साथ ही में वो गाइडलाइंस भी देते हैं कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो फेस साइज़ है 75 to 80% ऑफ द फोटोग्राफ होना चाहिए। जो मेल का फॉर्मेट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसमें आपको आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चेंज एंड आपका इंडोर्स नंबर साथ में, और उसी के साथ ये जो मेल आपको भेजना है मैरीटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट DGS, यहाँ पे आप ये मेल आईडी देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है TTC-DGS@NIC.in। तो मेल के साथ आपको 4 अटैचमेंट्स भेजनी है, जिसमें आता है आपका पासपोर्ट एंड CDC जो सेल्फ अटेस्टेड होगा, आपका फोटोग्राफ होगा और आपका एक सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है आपके प्रोफाइल में। उसके बाद जैसे आपको ये DGS MTT से मेल आ जाता है, आपके प्रोफाइल में ये जो विंडो है यहाँ पे आपको जाके आप यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फ़ोटोग्राफ आता है, इस फोटोग्राफ के नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो अपलोड डेट एंड टाइम है जो मेल में आपको भेजना जाता होता है जो प्रीवियस फ़ोटोग्राफ का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यह जहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको रीअपलोड का लिंक, जैसे आपको MTT से मेल आ जाता है तो जो डेट के बाजू का जो कॉलम है जहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे आपका रीअपलोड इमेज एंड रीअपलोड सिग्नेचर ऐसे लिखा हुआ आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाता है, वहाँ पे जाके आपका डिज़ायर्ड इमेज और आपका प्रोफाइल पिक्चर का और सिग्नेचर का आपको सिलेक्ट करना है एंड ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। जैसे आपका प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है ये अपलोड लिंक अपने आप वहाँ से चला जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।